चेतन जफर साहब ने शुरू किए थे नेशनल सेविंग्स में, हम नेशनल सेविंग्स वालों के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी अगर हम उनमें से कोई 70-80% को भी उनको गो लाइफ तक ले आए। तो मैं बहुत सेफली ये कह सकता हूँ कि आज और आज के बाद आने वाले अगले पूरे डेकेड के अंदर नेशनल सेविंग्स पर्टिकुलरली डिजिटाइजेशन के हवाले से जो भी माइलस्टोन अचीव करेगा उन सब का 90% क्रेडिट गोज टू हमने हालांकि अपने लोगों को उस तरह से नहीं बुलाया था यहाँ पे, बट एवरीवन जो भी यहाँ पे आए हैं वो जफर साहब की मोहब्बत में आए हैं। सो अ ह्यूज रिस्पेक्ट एंड ह्यूज रिगार्ड्स फॉर जफर साहब। सर थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर सर्विंग नेशनल सेविंग। अब हम जो दो इंस्टीट्यूशंस हैं बैंक ऑफ पंजाब और नेशनल सेविंग्स, वो बहुत सारी नई चीजें और लेके आएगा। आप लोगों ने लाहौर कलंदर का को कार्ड भी देखा होगा हमारा, उस तरह ही हम नेशनल सेविंग्स के साथ एक को कार्ड लेके आएंगे इंशाल्लाह ताला। आपके साथ मिलके एक डेबिट कार्ड लाएंगे और फिर उसके बाद अपने क्रेडिट कार्ड में भी देखेंगे क्या फीचर्स हम डाल सकते हैं उसकी। और कोशिश हमारी ये है कि जो नेशनल सेविंग्स की प्रोडक्ट्स है हमारी, उसको हम ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए और उनके यहाँ रहने वालों के लिए, घर वालों के लिए ऑफर करना शुरू करिए थ्रू RDA। जिस तरह आपने एक कार्ड लॉन्च किया है अपना, जिस तरह आपने और प्लान बनाया है फॉर डिजिटाइजेशन, आप इस्लामिक की बातें कर रहे हैं, दोज आर ऑल द नीड ऑफ द आवर। यानी ये हामिद साहब के और इनकी टीम के होते हुए, नदीम साहब के और सब लोगों के होते हुए हो गया तो हो गया। मैं आई कुड एक्चुअली रिलेट टू इट एंड आई कुड सी दीज पीपल डिलीवरिंग दिस। सो विश यू ऑल द बेस्ट।